Good morning, students. So we are studying our chapter number 3, that is diversity in living things and their classification. In the previous lecture, we have studied about the classification of plants. Now in this lecture, we are going to study about the classification in animals. Okay, so as on the our planet Earth, there are n number of species of plants, millions of species of plants. Similarly, there are millions of species of animals. लाखों करोड़ों तरह टाइप के क्या है एनिमल्स भी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, ओके, हमारे मदर अर्थ में. सो ये सभी के सभी एनिमल्स ऑब्वियसली एक दूसरे से अलग है. उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हमने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है. नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट. बहुत सारे एनिमल्स जो है, अलग अलग जो एनिमल्स है उनका शेप जो है वो अलग अलग होता है. कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ साइज बहुत कम होता है, कुछ एनिमल्स लंबे होते हैं, कुछ एनिमल्स लंबे नहीं होते. ओके, सो ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी को मॉडिफाई किया है. नाउ देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू. The amoeba that cannot be seen with our naked eyes, the huge elephant, the small snail, the fish that swims in water, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on a wall are all animals. Each has different characteristic. देखो हम लोग diversity देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा diversity है सभी animals के बीच में. कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते. फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, सेल्मोलेना टाइपी है, लैक्टोबैसिलस है, क्लोरेला है. सो ये जो कुछ एनिमल्स है, इन एनिमल्स को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते. ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन कुछ एनिमल्स इतने बड़े हैं जिनके सामने हम बहुत छोटे नजर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जाइंट वेल हो गया, ओके, बहुत बड़ा एलिफेंट, एलिफेंट ये सब एनिमल्स क्या है, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं. ओके, हिप्पोपोटामस स्ट्रॉन्ग और बड़े एनिमल्स होते हैं. ओके, इनका वेट ज़्यादा होता है. कुछ एनिमल जो है वो पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल जमीन पर रहते हैं. कुछ एनिमल्स पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल. ओके, सो दिज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स. कुछ एनिमल्स चलते हैं, ओके, कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स. ओके, उसमें भी बहुत वैरायटी है. कुछ बर्ड्स बहुत ऊंचाई तक फ्लाई कर सकते हैं, बहुत हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकते हैं फ्लाइंग के लिए. कुछ बर्ड्स जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं कर सकते फ्लाइंग के लिए. देन एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, टोर्सो, अ टेल एंड लिम्स फॉर मूवमेंट. एनिमल्स के पास क्या क्या होता है मूव करने के लिए, हेड होता है, नेक होता है, टोर्सो होता है, टेल होता है और लिम्ब होता है. ओके, दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शंस इनसाइड देयर बॉडी. इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो सारे के सारे ऑर्गन्स का फंक्शन भी अलग अलग है. ओके, सो ऑर्गन सिस्टम को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है एनिमल्स में. ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए आपको एनिमल्स के. ओके, दिस इज टाइगर, देन दिस इज क्रैब, फिश. ओके, देन दिस इज द बर्ड. ओके, देन दिस इज पर्टिकुलर बी, हनी बी. ओके, सेंटीपीड इज देयर. ओके, अर्थ वर्म. सो दिस आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. ओके, क्रोकोडाइल. सो हम लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे एनिमल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत अलग है. ओके, वी सी अ वैरायटी इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल. देखो खाने के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो न्यूट्रिशन है उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है. देखो टाइगर जो है वो क्या है, कार्निवोरस है. ओके, इट फीड्स ऑन अदर हर्बीवोर्स, वेयर एज दिस पर्टिकुलर बी, ओके, इट फीड्स ऑन the juice from the flower. Okay, some
animals, okay, they eat insects or the organisms which are there in soil. Okay, some animals are herbivores, some animals feed on different animals or different types of grains. Okay, since animals depend on others for their food, they are found in places where food is available. देखो आपको उसी इलाके में एनिमल्स देखने मिलेंगे जहाँ पे फूड अवेलेबल है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए. ओके, नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड. दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. देखो हर एक एनिमल के पास ऑर्गन्स अलग अलग है और वो एनिमल का फूड को कंज्यूम करने का जो तरीका है वो भी क्या है, अलग अलग है. तो इस बेसिस पे भी हम लोग एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, अभी अगर हम लोग कुछ कंसिडर कुछ एनिमल का एज ए एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या खाते हैं, क्या उनके स्पेशल फीचर अगर हम लोग लेंगे तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर. तो टाइगर क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल है. तो उसका फूड क्या होगा, अदर हर्बीवोरस एनिमल्स क्या है उनके फूड है. और वो खाते कैसे है? मतलब वो पहले शिकार करते हैं उसका, उस एनिमल को मार देते हैं और उसके बाद फिर उसको कंज्यूम करते हैं. ओके, वो रहते कहाँ पे, तो जंगल में रहते हैं टाइगर्स. ओके, और उनका स्पेशल फीचर क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि बहुत स्ट्रांग होते हैं वो. ओके, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, ऑरेंज कलर के हैं, येलो कलर के होते हैं और ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं उनके ऊपर. सो ये क्या है, उनका स्पेशल फीचर है. Now some animals are very 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 much small, okay, and that cannot be seen our naked eyes. कुछ animals ऐसे होते हैं जो सिर्फ single cell से बने हों. Okay, ऐसे animals को हम लोग क्या बोलेंगे, unicellular animal बोलेंगे. क्या बोलेंगे उन्हें हम, unicellular animal. Okay, so यहाँ पे example दिया हुआ unicellular animal का हम लोग को, जैसे कि amoeba है, फिर paramecium है, सब क्या है, unicellular organisms है. तो ये पैरामोशियम है, उसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, किसी भी पडल से अगर आप लोग एक ड्रॉप पानी लोगे. पडल मतलब क्या, देखो बारिश के मौसम में जो गड्ढे होते हैं रास्ते में आसपास कहीं पे भी जहाँ पे पानी भर जाता है, उसमें से आप एक ड्रॉप पानी ले लो, उसे आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अमीबा है. ओके, और अमीबा के जैसा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरामेशियम. ओके, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. इसके एग्जांपल क्या है, हॉर्स है, बियर है, टॉर्टॉइज है. हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, नाउ some animals have strong bones whereas some animals do not have strong bones or do not have bones only. भाई कुछ animals के पास strong bones होता है, किसी के पास bone होता ही नहीं है. bone का structure भी क्या है, अलग अलग है हर एक animal का. तो उस basis पे भी हम लोग animal को classify कर सकते हैं. now animals with a vertebral column and those without it form two groups known as vertebrates and invertebrates. ऐसे animal जिनके पास vertebral column होता है उन्हें vertebrates कहा जाता है, और ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है. ओके, नेम्स ऑफ एनिमल्स व्हिच ले एग्स एंड अदर अदर्स व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. अभी देखो कुछ एनिमल जो है वो एग ले करते हैं, वो अंडे देते हैं, और कुछ एनिमल जो है वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स. ओके, हैचिंग एग है और एक है विदाउट हैचिंग, दैट इज ओवीपैरस और वीवीपैरस. ये दो टाइप है एनिमल के ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस वेयर वन लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस अनदर लिविंग थिंग ऑफ द सेम स्पीसीज. ओके, नाउ अ हैन ले एग्स एंड हैचेस देम. आफ्टर अ फ्यू डेज द यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स. सो अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ. Before that, the calf grows within the cow's body. According to the mode of reproduction, animals are classified into two types, namely oviparous animals, मतलब अंडे देने वाले animals, और viviparous animal, मतलब क्या, जो अंडे नहीं देते हैं. Okay, जो directly अपने young one को birth देते हैं, birth करते हैं उनका. Now,
अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, मतलब कुछ एनिमल जो है वो पानी में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स जमीन पे होते हैं, कुछ एनिमल्स पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या है एयर में लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको कंसिडर करते हुए भी हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासीफाइड इंटू टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको हम लोग टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल में क्लासीफाई करते हैं। ओके, टेरिस्ट्रियल मतलब क्या, जो जमीन पर रहते हैं ऐसे जानवर, और एक्वेटिक मतलब क्या, जो पानी में रहते हैं ऐसे जानवर। ओके, वेर इज सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, सलामेंडर, टॉड लिव इन बोथ प्लेसेस, नेमली लैंड वाटर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियस एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियस एनिमल कहा जाता है। ओके, देन अ काइट, एन ईगल, अ क्राउ, अ बटरफ्लाई, अ हनी बी, ऑल फ्लाई इन द एयर, दो दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, दिस एनिमल्स आर सेड टू हैव एरियल मोड ऑफ लाइफ। देखो फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लाई करते हैं, तो वो रहते तो जमीन पे ही है, मतलब उनका घर जो होता है वो जमीन पर होता है, लेकिन वो लोग ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं खुद का, मतलब जो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंग्स करते हैं। ओके, सो ये जो मोड है उनके लाइफ का उसे क्या कहा जाता है, एरियल मोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, नाउ वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज शोन इज सीन बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एवरी प्लांट एंड एनिमल इज यूनिक, वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक है एक दूसरे से, अलग एक दूसरे से, और वो इस पर्टिकुलर अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का काम कर रहा है। अब एनवायरनमेंट में बैलेंस रहे, एनवायरनमेंट कंप्लीटली बैलेंस्ड हो, एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन ना हो, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है, हम इंसानों की जिम्मेदारी है, कि हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, और हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ओके, सो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ये ध्यान दे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने का काम करें। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या स्टडी किया है, इस चैप्टर में हम लोग ने क्या स्टडी किया है, हम लोगों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन और एनिमल का क्लासिफिकेशन क्या है स्टडी किया है। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो आपको क्या करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, यही आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी होमवर्क कंप्लीट करने में तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 3। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। ओके, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अंटिल देन, गुड बाय।